हाय एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वीडियो के बारे में तुम लोगों ने कितने सारे कमेंट करे थे और फाइनली आज आ गए। माय नेम इज संतोष एंड आई फाइनली अ केमिकल इंजीनियरिंग ड्यूअल डिग्री स्टूडेंट एट आईआईटी दिल्ली। बिफोर वाचिंग दिस वीडियो तुम लोग ये वाला व्लॉग जरूर देख लेना। 5 दिन अपनी पूरी डैश देने के बाद फाइनली जॉब लग गई थी। इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कैसे पूरा प्रोसेस वर्क करता है हमारे कॉलेज में। इंटरव्यूज होते दिसंबर में बट आइडियली उनकी प्रिपरेशन शुरू जाती है मई या जून में। इस वीडियो में कुछ 3-4 सेक्शंस होंगे और धीरे धीरे मैं एक एक के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले चीज होती है एक रफ रेज्यूमे बनाना एंड डिसाइडिंग द प्रोफाइल्स जिसमें तुम्हें अप्लाई करना है। देयर आर मल्टीपल प्रोफाइल्स, टेक, कोर, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टिंग, डेटा एनालिसिस, बिजनेस डेवलपमेंट, जिसमें अप्लाई करना होता है। ओके, यू कैन अप्लाई इन ऑल ऑफ दीज। 2-3 प्रोफाइल तुम्हें फाइनल करनी होती है जिसके लिए तुम ज्यादा मेहनत करोगे। नेक्स्ट थिंग इज कि मिड अगस्त में एक सीवी पोर्टल खुलता है जहां पे तुम्हें फाइनल रेज्यूमे बनाना होता है जो कि कंपनीज को अप्लाई किया जाएगा। तुम उसमें बाद में कोई चेंजेस नहीं कर सकते और हर एक प्रोफाइल का ट्राई करते हैं कि एक डिफरेंट रेज्यूमे हो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट प्रोफाइल। इसके बाद होती है कंपनी प्रेजेंटेशन, बेसिकली वो बताते हैं कि हम लोग उनमें क्यों अप्लाई कर रहे हैं। तो ये कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलता है एंड उसके बाद शुरू होते हैं टेस्ट पे टेस्ट 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 की बात। हर एक कंपनी का एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है शॉर्टलिस्ट करने का, हर एक प्रोफाइल का एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है शॉर्टलिस्ट करने का। फर्स्ट इज टेक। टेक में मोस्टली कोडिंग टेस्ट होते हैं, जितना अच्छा तुम कोडिंग टेस्ट में करोगे तो हमारी शॉर्टलिस्ट आएगी। सबसे पहले कंसल्टिंग की शॉर्टलिस्ट आती है और वो रेज्यूमे बेस्ड होता है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू हैव डन इन योर होल कॉलेज लाइफ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, पोजीशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज, इंटर्नशिप्स, ये सब तुम्हें अपने रेज्यूमे में इंक्लूड करना होता है। एंड फिर वो डिसाइड करते हैं, वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर तुम्हारे केस स्टडी सेशंस होते हैं। थर्ड प्रोफाइल जो है प्रोडक्ट मैनेजमेंट, उसके लिए कंपनीज टास्क देती है एक केस स्टडी का और उसको पूरा एनालाइज करना होता है। तुम्हें सॉल्यूशंस देने होते हैं, तुम्हें नया प्रोडक्ट बनाना होता है या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस दिखाने होते हैं और ऐसे ही सारी प्रोडक्ट मैनेजमेंट कंपनीज शॉर्टलिस्ट निकालती है। अब रही बात बाकी कंपनीज की, जैसे कोर हो गई, एनालिस्ट वाली हो गई, वो लेती है टेस्ट। अब मैं बात कर रहा हूँ अक्टूबर स्टार्टिंग की, तो दिन का एक टेस्ट होता है, कभी दिन के 2 टेस्ट होते हैं। नवंबर आ गया, एंड सेमेस्टर चल रहे हैं, उस टाइम टेस्ट की फ्रिक्वेंसी कम हो गई। उसके बाद टेस्ट शुरू होते हैं दिन के 3-4, तुम शाम को 6 बजे टेस्ट देने बैठते हो, रात को 2 बजे फ्री होते हो और ये टेस्ट जब तक चलते हैं तब तक तुम्हारी जॉब नहीं लग जाती है। ड्यूरिंग द इंटरव्यू पीरियड उस टाइम भी टेस्ट हो रहे होते हैं रात को। ये तो मुझे सोच के डर लग रहा है यार, फिर से इतना सब कुछ होता था। चल चूट। प्रिपरेशन कैसे करते हैं, कॉन्टेक्ट योर सीनियर्स या फिर अपने बैचमेट्स, उनके साथ में बैठ के सारे केस स्टडीज करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो और एक दूसरे की हेल्प करो, इंटरव्यूज लो। क्या लगता है लगेगी जॉब? मैं लपाड़ा मार दूंगा तेरे, ठीक है? मत कर भाई। कशिश गरवेल, पहाड़ी, कुणाल, इन सब लोगों ने बहुत हेल्प करी है रात को प्रिपेयर कराना। ऑलरेडी ग्रेजुएट हो गए ना ये लोग, तीनों रात को प्रिपेयर कराना, कौन से प्रोफाइल में क्या पूछेंगे और टेस्ट में कैसे देने चाहिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे देनी चाहिए। मेरे को टेक में बिल्कुल नहीं जाना था, तो ना मुझे कोडिंग आती है, ये सब दोगलापन है। बेसिक कोडिंग आती है उसके ना, उसके लिए मैंने प्रिपेयर किया। मैंने मोस्टली सारी प्रिपरेशन प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए करी थी और एनालिस्ट प्रोफाइल्स के लिए करी थी। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में तो हुआ नहीं, इसमें अकेले लगाना बहुत बड़ा टास्क है। तुम्हारे बैचमेट, तुम्हारे जूनियर, तुम्हारे सीनियर सब हेल्प करेंगे डिफरेंट डिफरेंट वे में। जूनियर्स हेल्प करेंगे इंटरव्यूज के टाइम पे कि कैसे तुम्हारा शेड्यूलिंग हो, बैचमेट तुम्हारी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे, सीनियर्स तुम्हारे फीडबैक, रिव्यू देना, प्रिपेयर कराना, सब में हेल्प करते हैं। कॉन्टैक्ट सबसे होना चाहिए कि कैसे प्रिपेयर करना है। एक और चीज होती है, वो होती है एचआर डॉक, कि एचआर क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर लेना क्योंकि वो सारी कंपनीज पूछती है। टेक्निकल राउंड हो गया तुम्हारा, एक प्रोफाइल बेस्ड राउंड हो गया, उसके बाद आता है एचआर राउंड। देखो स्ट्रेस सबको होता है, किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है, आज नहीं तो कल तुम्हारी जॉब लग जाएगी। ये वन ऑफ द टफेस्ट पीरियड हो सकता है कॉलेज का, बट जो इसका रिजल्ट होता है जब तुम्हारी जॉब लगती है उस दिन की खुशी बिल्कुल अलग होती है। अब स्ट्रेस को ओवरकम कैसे करते हैं, मैं पर्सनली मैं मेरा बता सकता हूँ कि सबका अलग तरीका होता है। मेरे को खाना बहुत पसंद है, जब मेरे को स्ट्रेस होता है मैं खाना ऑर्डर करता हूँ, मैं नॉर्मली भी करता हूँ बट स्ट्रेस में ज़्यादा ऑर्डर होने लग जाते हैं, उससे मेरा वेट भी बढ़ गया था। वन ऑफ द टास्क इज स्ट्रेस से ओवरकम करना। मैं अपने दोस्तों से बात करता था रात को, कभी कशिश से, कभी गरविल से, कभी पहाड़ी से, कभी कुणाल से। उसके अलावा वीडियोस एडिट करता था, उससे मेरा दिमाग थोड़ा फ्रेश रहता था, कुछ अपने स्कूल फ्रेंड से बात करता था। नेक्स्ट वाली वीडियो में आई विल शेयर कि मेरा जिस दिन इंटरव्यू था वो कैसा गया, मेरे बाकी दोस्तों का कैसा एक्सपीरियंस था वो भी शेयर करने की कोशिश करूंगा। आइडियली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर प्रोफाइल थोड़ा टाइम पहले से, ताकि एंड में जाके थोड़ी बीटी ना हो। और स्ट्रेस होगा कुछ ऐसा करो ताकि वो स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाए, टॉक टू योर फ्रेंड्स। एक कंपनी में शॉर्टलिस्ट नहीं आती, दूसरी में आएगी, दूसरे में आएगी, तीसरी में आएगी, तीसरी में चौथी में आएगी। आई गेस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, काफी लंबी वीडियो गई ऑलरेडी और मैं बोलते बोलते थक गया। सो अगर तुमने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, और सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आएगा, मैं उस दिन पूरा अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा जिस दिन मेरी जॉब लगी, मेरे दोस्तों का एक्सपीरियंस।
डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब. तुम कमेंट कर दो तुम्हें क्या अच्छा लगा इस वीडियो में. टेंशन मत लो, जॉब लग जाती है, आज नहीं तो कल लग ही जाएगी. यार ये सब सोच के मुझे फिर से वो रहेगी कितने दिन लगे थे यार, कितना बीटी का टाइम होता है. एंड सेमेस्टर होते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स की प्रेजेंटेशंस होती है, फिर तुम दिन में टेस्ट दे रहे हो, हर एक कंपनी के इंटरव्यू के लिए अलग तरीके से प्रिपेयर करना होता है, फिर अपना सीवी गो थ्रू करते हो. चलो यहीं तक रखते हैं, अभी काफी बकबक कर लिया, मेरा मुंह भी थक गया है.